चार हमारी मोस्ट असेंशियल किट्स हैं, मैं आपको बताऊंगी इन सब में क्या है। तो पहली है हमारी मेडिसिंस की किट। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करके सभी बेसिक मेडिसिंस हमेशा हैंडी रखिए जब भी आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम भी अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करके बेसिक मेडिसिंस हमेशा साथ में रखते हैं, बैंडेज एंड अदर स्टफ्स भी। तो ये पहली किट है मेडिसिंस की। अभी आते हैं दूसरी किट की तरफ। तो ये दूसरी किट है टॉयलेट्रीज की। तो इसमें हम ये कॉमन किट है मेरे और अभिषेक के लिए। तो इसमें हम शैम्पू, बॉडी वॉश, टूथपेस्ट एंड ब्रश, मैं लिक्विड डिटर्जेंट भी कैरी करना पसंद करती हूँ इन केस आपको कभी कुछ कपड़े धोने की ज़रूरत पड़े, एंड हेयर सीरम। सो आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जो भी ज़रूरत पड़ती है आपके डेली स्टफ में, डेली रूटीन में, वो आप इस किट में रख सकते हैं। एंड मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि एक सीजर और नेल कटर भी मेरे साथ रहे, तो मैं ये भी हमेशा टॉयलेटरी किट में रखती हूँ। तो ये है हमारी सेकेंड किट। तो अभी आते हैं थर्ड किट की तरफ। ये मेरी कॉस्मेटिक किट है। तो ऑफ कोर्स सभी का अपना अलग प्रेफरेंस होता है, बट मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि हमेशा सभी के साथ होनी चाहिए। तो सबसे पहले होता है विल टॉक अबाउट दी मॉइस्चराइजर। तो स्पेशली जब हम विंटर प्लेस पे जा रहे हैं, कोई भी स्नो प्लेस पे, जैसे कि हम इस बार कश्मीर जा रहे हैं, तो मॉइस्चराइजर इज़ मस्ट। तो आप हमेशा एक मॉइस्चराइजर कैरी करिए। सनस्क्रीन ऑफकोर्स आपकी प्रेफरेंस का, कोम्ब एंड यू नो जो भी कॉस्मेटिक, सबकी अपनी अलग प्रेफरेंस होती है। तो मैं कुछ लिपस्टिक्स रखती हूँ अपने साथ, काजल रखती हूँ, मेरा सिंदूर रखती हूँ एंड फाउंडेशन रखती हूँ। तो अगेन ये सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है कि कौन कॉस्मेटिक्स में क्या यूज़ करना पसंद करता है। बट येस, आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ रखें ना रखें, बट एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन आपके साथ हमेशा होने चाहिए। एंड अगेन लिप केयर भी, क्योंकि विंटर प्लेसेस पे ये कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो ये थी मेरी कॉस्मेटिक किट। तो ये फोर्थ किट है अभिषेक की। तो इसमें एक मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है। अगेन अगर बहुत सारे लड़के लोग नहीं भी यूज़ करते हैं, बट अगर नहीं भी यूज़ करते तो आप विंटर प्लेस जा रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन रखिए। एक डियो है, शेविंग रेजर है, फेस वॉश है। तो अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना किट प्रिपेयर कीजिए। तो यूजुअली कैसे होता है ना, मैं और अभिषेक अपना किट अलग रखते हैं बिकॉज एंड मोमेंट पे हमें कोई भी हसल नहीं चाहिए। हम टॉयलेटरी कॉमन रखते हैं क्योंकि हम मल्टीपल शैम्पू या बॉडी वॉश, टूथपेस्ट, स्पेस ज़्यादा लेता है, तो इसलिए हम कॉमन रखते हैं, हम मल्टीपल लेना प्रेफर नहीं करते हैं। एंड अगेन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, एज आई हैव सेड कि मेडिसिंस कैरी करना इज़ मस्ट। आप जो मेडिसिंस नहीं भी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या ज़रूरत पड़ती है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और हमेशा एक मेडिसिंस का किट अपने साथ रखिए। सो नेक्स्ट इज हेयर ड्रायर। स्पेशली जब हम ठंडी प्लेसेस पे जा रहे हैं एंड हेयर वॉश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, मैं हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। तो हेयर ड्रायर, फिर उसके बाद है गॉगल्स। तो आप अपने गॉगल्स रखना नहीं भूलिए, स्पेशली ट्राई कीजिए कि इट शुड बी पोलराइज्ड अगर आप स्नो प्लेसेस पे जा रहे हैं। तो ये हैं हमारे ट्रॉली बैग और हम इसको पैक करना आपको बताएंगे। हम दोनों अपना बैग सेपरेट रखते हैं, ब्लैक वाला मेरा, ब्राउन वाला अभिषेक का है। अभी हम बताएंगे कि हम अपने बैग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े या आपका अदर स्टफ आ सके, शायद आपको वो हेल्पफुल हो आपकी नेक्स्ट पैकिंग के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग फटाफट। जैसे कि हमने बताया हम कश्मीर फरवरी में जा रहे हैं और इस टाइम पे वहाँ पे माइनस डिग्री में टेम्परेचर रहता है, तो जो भी एसेंशियल लेयरिंग्स की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये अभिषेक के वुलन क्लॉथ्स हैं। तो सबसे पहले है थर्मल, ओके, ये जॉकी का है, आपको इजीली ऑनलाइन या किसी भी जॉकी स्टोर पर मिल जाएगा। ये हमने स्पिति जाते टाइम लिया था एंड हमारा फीडबैक बहुत अच्छा है। ये बहुत वार्म और बहुत कोजी एंड कम्फर्टेबल है, तो आप अपने साइज का थर्मल ले सकते हैं जॉकी से। ये फ्लीज है जो कि जिसको हम सेकेंड लेयर भी बोलते हैं, ये हमने डीकैथलन से लिया है। अगेन दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी। डीकैथलन के प्रोडक्ट्स तो वैसे ही बहुत अमेजिंग होते हैं।
ओके सो थर्ड लेयर इज हम हमारे पास माइनस डिग्री जैकेट है तो हम थर्ड लेयर में इसे यूज करते हैं. आप अगर बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है तो आप कोई भी हाई नेक स्वेटर भी थर्ड लेयर में ऐड कर सकते हैं एंड इस जैकेट को फोर्थ लेयर कर सकते हैं. बट एज वी हैव दिस माइनस डिग्री जैकेट तो हम इसे अपनी थर्ड लेयर के लिए यूज करते हैं. दिस इज अगेन फ्रॉम डीकैथलन एंड ये एक एक्स्ट्रा जैकेट है, लेदर जैकेट जो कि अभिषेक लेने वाले हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दी बॉटम लेयरिंग. तो ये है थर्मल, ये भी जॉकी का है एंड उसके ऊपर आप अपना लोअर या जीन्स या पैंट जो भी पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं. एंड दिस इज द थर्ड लेयरिंग, दिस इज स्नो पैंट, दिस इज वाटर रिपेलेंट. तो अगर आप स्नो में स्नोफॉल हो रहा है या आप स्नो में खेलना चाहते हैं तो आपके ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, आपके कपड़े गीले नहीं होते हैं. तो या सो वी हैव दिस इज द बॉटम लेयरिंग. तो ये है हमारा बिनी कैप, दिस फ्लीस बिनी कैप जो कि हम अंदर पहनते हैं एंड ये उसके ऊपर पहनते हैं सेकेंड लेयर के लिए. आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट भी पहन सकते हैं बट अगर टेम्परेचर बहुत माइनस डिग्री में है तो आप दो लेयर करके ऐसे पहन सकते हैं. अगेन दीज आर फ्रॉम डीकैथलन. नाउ विल टॉक अबाउट दी ग्लव्स. सो अगेन वी हैव टू लेयर्स ऑफ ग्लव्स, दिस इज इनर फ्लीस ग्लव्स एंड दिस इज वाटर रेपलेंट ग्लव्स जो कि हमने अगेन डीकैथलन से लिए थे दोनों भी. ये माइनस डिग्री तक आपको प्रोटेक्ट करते हैं एंड वाटर रिपेलेंट है तो स्नो में आपके हाथ गीले या ठंडे भी नहीं होते हैं. सो दिस इज अ नेक गेटर या फिर नेक वार्मर भी जिसको बोलते हैं. ये वुलन का नहीं है बट ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आप वुलन का भी नेक वार्मर ले सकते हैं इसकी जगह. तो ये हैं कुछ जीन्स जो कि अभिषेक लेने वाले हैं और ये हैं उनके टी शर्ट्स जिसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं हमेशा क्योंकि इससे फोल्ड ख़राब भी नहीं होता है एक निकालते वक्त. तो या दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लॉथ्स विच अभिषेक इज़ गोइंग टू कैरी. सो लेट्स पैक माई स्टफ. तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दी वुलन्स. तो यहाँ पे भी लेयरिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ. तो पहली लेयर है सेम थर्मल, उसके बाद है फ्लीज, फिर है ये माइनस डिग्री जैकेट. ये तीनों भी हमने डीकैथलन से लिया था, एक्स्ट्रा जैकेट्स हैं जो मैं लेने वाली हूँ. सो ये है मेरी बिनी कैप, ये है मेरा स्कार्फ. अभी ये बॉटम लेयरिंग के लिए थर्मल है, ये जॉकी का है और ये मेरा स्नो पैंट है, ये भी हमने डीकैथलन से लिया हुआ है. फिर ये है मेरे फ्लीस ग्लव्स और ये उसके ऊपर पहनने के लिए हैं स्नो ग्लव्स जो कि वाटर रेपेलेंट हैं. ये दोनों भी हमने डीकैथलन से लिया हुआ है. ये है कुछ पेयर ऑफ सॉक्स. सो ये है मेरे कुछ टॉप, मेरे टी शर्ट्स और मेरे जीन्स एंड ट्रैगिंग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट माई पैकिंग. अभी चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करते हैं, ये सब बैग में डालते हैं एंड जल्दी से वाइंड अप करते हैं. ये है मेरा फेवरेट पार्ट ऑफ पैकिंग. तो ये हमारा DSLR, हमारा गिम्बल, हमारा एक्शन कैमरा, दिस इज़ माय फेवरेट Insta360 कैमरा और ऑफ कोर्स दी पावर बैंक्स. और ये है हमारे चार पावर बैंक. तो आप भी अपने पावर बैंक रखना मत भूलिएगा और ऑफ कोर्स पावर बैंक को चार्ज करना मत भूलिएगा. सो अभी हमारी शूज़ की पैकिंग हो रही है. तो हमने दो पेयर्स ऑफ शूज़ रखे हैं ईच. ये मेरे नॉर्मल हाइकिंग शूज़ हैं और ये है मेरे स्नो बूट्स और ये अभिषेक के स्नो बूट्स हैं और ये उनके नॉर्मल हाइकिंग शूज़. सो बेसिकली स्नो बूट्स लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्नो प्लेसेस पे जा रहे हैं. तो स्नो बूट्स लेना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं और ये स्लिपरी भी नहीं होते हैं. सो ये रही फाइनल चेकलिस्ट, जल्दी से स्कैन कीजिए और देखिए आपने अपनी विंटर वैकेशन के लिए कुछ मिस तो नहीं किया है. अगर मिस किया है तो जल्दी से ऐड कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि इसमें और क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो आप लेना प्रेफर करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बने रहिए, जल्दी से अभी कश्मीर के व्लॉग्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स गोना बी फन. सो सी यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.